जय सोमनाथ। वणकम। उपस्थित आप सौ तमिल थी पधारेला मारा वाला भाइयों ने बहनों, ए सोमनाथ मंदिर पर 1000 पूर्वे दुष्ट लोगों ने भारतीय संस्कृति नष्ट करने के लिए यहाँ बड़ा युद्ध खेला था और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। बाद में अहल्या होलकर जी ने एक मंदिर के सामने दूसरा मंदिर सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार करके नया मंदिर बनाया और दूसरी बार जब देश आज़ाद हुआ 1948 में, 1951 में सरदार साहब जब सोमनाथ आए तब उन्होंने संकल्प किया हिंदू संस्कृति का ये आस्था का केंद्र प्रथम ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार होगा और समुद्र किनारे पर उन्होंने एक संकल्प लिया और आज ये भव्य वारसा की तरह हमारा मंदिर आप सोमनाथ खड़ा है। एक दूसरी घटना इस समय काल में बनी हुई थी जब भारतीय संस्कृति लुप्त हो जा रही थी, वेदों की उपेक्षा हो रही थी, तब तमिल में ही एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ और कुमारिल भट्ट ने आत्मा बलिदान किया। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का झंडा लेकर पूरा भारत भ्रमण करके आज हमारी द्वारका में भी एक शक्तिपीठ है, वो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने बनाई और तब से आज हमारी संस्कृति वेदों का ज्ञान आज हम जो गा रहे हैं वो देन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की है। कुमारिल भट्ट का ये बलिदान को आज हम नमन कर रहे तिरुवल्लुवर ने लिखित ए तिरुवर कुरुल ग्रंथ को, आज हम साउथ की ए विरासत और हिंदू धर्म को जो बचाने के लिए यहाँ जो यज्ञ हुआ वो आप सब ने प्रज्वलित रखा। आज हमें लगता है पुराने एक ब्लड का रिलेशन, आप सब हमारे भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए तो मैं हर्ष और गौरव की लागनी अनुभव कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति है सभी को मान दो सम्मान दो, सर्वे सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया, वसुदेव कुटुंबकम की ये भावनाओं आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जिंदा रखने के लिए इकट्ठे करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो ये स्वप्न दिखाया और आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम एक है, वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं एक है, हम श्रेष्ठ है। अभी जो गाई थी ये ब्राह्मण ने, तेजस्वी ब्राह्मण की मुख से हमने ये सुना, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आस्मिन राष्ट्रे राजन्य सुरो ईश्वरो अति व्याधि पुरंधिशो शा जिष्णु रथिष्ठा सभेयो युवानश्य यजमानश्य वीरो जायताम निकामे निकामे। कितनी भव्य हमारी कल्पना थी, कितनी भव्य हमारी प्रार्थना है, फिर भी आज हम भारत की संस्कृति बचाने के लिए आप सभी, मुझे अभी मुलू भाई बेहरा ने बताया कि सभी लोगों की शादी होती ने एक बार सोमनाथ आते, मैं आपका ये श्रद्धा को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि नरेंद्र भाई जैसे लीडर इस भारत को प्राप्त हुए और देशवासियों पूरा देशवासियों एक दिशा में चलते, समाना हो आकृति समाना हृदय निवा, एक दिशा पर हम चलेंगे, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हम सब भाई हैं और एकजुट कर साथ रहेंगे। आज आपका हम स्वागत करके धन्यता अनुभव रहे और हम आपको इनवाइट करते, हर साल आप इस गुजरात की पावन धरती पर आओ,
आपका वेलकम है। हमें गर्व है हमारा भाइयों इस धरती पर सोमनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आज पूरा माहौल गुजरात में एक इतना भव्य हुआ है कि तमिल सौराष्ट्र भाइयों हमारे यहाँ आ रहे। ये विचार नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, मैं सत सत वंदन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। ओम बात आज मैं हमारी वाणी को विराम देता हूँ और हमारी जो वैदिक प्रार्थना है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्वीनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति। हमें आपस में कभी कोई ईर्ष्या न रहे, राग द्वेष न हो, बस हम शुद्ध भावनाओं के साथ आगे कदम बढ़ाए और हिंदू संस्कृति को फिर से गौरवंती हमारी संस्कृति को पूरा विश्व में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। बस यही मेरी प्रार्थना है। अस्तु, जय सोमनाथ वणंकम।